पंजाब में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 26 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में एक और नया कोविड पेशेंट मिला है। इससे राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 38 पहुंच गई है। वहीं एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ। पंजाब में कोविड टेस्टिंग कम होने पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका उदाहरण यह है कि 26 दिसंबर को फाजिलका और मनसा में एक भी कोविड टेस्ट नहीं किया गया। कपूरथला और SBS नगर में केवल एक कोविड टेस्ट किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि टेस्टिंग नहीं होने से कोरोना से ग्रस्त मरीजों की पहचान कैसे हो सकेगी और किस प्रकार महामारी की रोकथाम के प्रयास सफल होंगे। फाजिलका और मनसा में कोई टेस्टिंग नहीं की गई। वहीं फिरोजपुर में 5, कपूरथला में 1, मलेरकोटला में 4, मोगा में 4, मुक्तसर में 2, पठानकोट में 6, रोपड़ में 2 और SBS नगर में 1 टेस्ट ही किया गया। इनके अलावा अधिकांश जिलों में 18 से 50 कोविड टेस्ट भी नहीं हुए। इनमें भटिंडा 22, फतेहगढ़ साहिब 30, गुरदासपुर 22, होशियारपुर 18, SAS नगर 32 और रतन और तरन तारण में 45 टेस्ट किए गए। सबसे अधिक जलंधर 658, पटियाला, संगरूर 140, लुधियाना 122, अमृतसर 69 और फरीदकोट में 61 कोरोना के टेस्ट किए गए। पूरे पंजाब में 26 दिसंबर को ना के बराबर कोविड टेस्टिंग का असर देखने को मिला, जबकि 25 दिसंबर को कुल 5497 कोविड सैंपल लिए गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।